कहाँ जा रहे हैं दादी? एक पवित्र स्थान पर, अपने पुरखों के मंदिर में। हम वहाँ क्यों जा रहे हैं दादी? लोग मंदिर क्यों जाते हैं? देवी देवताओं के दर्शन करने, ताकि वो अपने इस जन्म और पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति पा सके। आओ। देवयानी तुम? प्रणाम गुरुदेव। सुखी रहो। इस पवित्र अग्नि कुंड के समक्ष मैं तुम्हें दीर्घायु का आशीर्वाद देता हूं। यही आशीर्वाद आज मैं रवीश के लिए मांगने आई हूं। बेटा प्रणाम करो इन्हें। कौन है ये बालक? मेरा पोता, मल्होत्रा परिवार की आखिरी निशानी। इसे ले जाओ यहां से देवयानी। इस पवित्र स्थान की पवित्रता को नष्ट करने के लिए क्यों ले आई हो इसे? आपके दिए हुए उस श्राप से मुक्ति दिलवाने जिसने मल्होत्रा परिवार का सर्वनाश कर दिया। दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता देवयानी। क्यों नहीं गुरुदेव, क्यों नहीं? आप जैसे दिव्य पुरुष के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं अपनी झोली फैलाकर इस बालक के जीवन का वरदान मांगती हूँ। उठो देवयानी, मुझ जैसे साधारण मनुष्य का श्राप भला किसी का क्या बिगाड़ सकता है? और सत्य तो ये है कि संसार में आने वाला हर प्राणी श्रापित ही होता है। वो कैसे? किसी के मार्ग में पूर्व जन्म के कर्म घोड़ा बन जाते हैं और किसी को अपने ही पुरखों के दोषों का दंड भुगतना पड़ता है। मैं नहीं मानती। जीवन अभिशाप नहीं, दिव्य वरदान है, परमात्मा की असीम कृपा का प्रसाद है। फिर इस वरदान के लिए परमात्मा से प्रार्थना करो। मेरे पास क्यों आई हो? ये लड़का जिसे न माँ की गोद मिली न पिता का प्यार, आज 14 बरस का वनवास काट कर अपने वतन लौटा है। कुल गुरु होने के नाते मल्होत्रा परिवार के इस इकलौते वारिस को आशीर्वाद आप देंगे। असंभव देवयानी, असंभव। मल्होत्रा परिवार से मेरा संबंध बरसों पहले टूट चुका है। मर गया मल्होत्रा परिवार, खत्म हो गए सारे लोग। कुल गुरु के श्राप की ज्वाला ने उन सबको भस्म कर दिया जो अपराधी थे, लेकिन ये बच्चा तो मासूम है। इसे किस अपराध का दंड दिया जा रहा है गुरुदेव? हट ना करो देवयानी, चली जाओ यहां से।
मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हूं। प्रतिज्ञा तो मैंने भी की है गुरुदेव, इस बच्चे की सुरक्षा की प्रतिज्ञा, और मुझे विश्वास है कि मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखने और रविश को आशीर्वाद देने आप अवश्य आएंगे। किसका घर है दादी? तुम्हारा। आज से तुम यहीं रहोगे। यहाँ कोई नहीं रहता दादी। रहते थे, सभी रहते थे। अशोक भैया, करुणा भाभी, नरेश, पिंकी, हमारे डैडी कैलाशनाथ मल्होत्रा। सुबह सुबह बस एक ही आवाज गूंजती थी, देवयानी, 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 देवयानी। अरे भाई कहाँ हो तुम? मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। मैं यही हूँ डैडी। और मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ चुका हूँ। You are a little baby. ये रहा आपका पेन, ये रहा आपका पर्स, और ये रहा आपका हैंकी। Thank you. और खान, ब्रीफकेस गाड़ी में रखो। जानती हो बेटे, मैंने तुम्हारे लिए क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि तुम्हें ससुराल भेजने के बजाय क्यों ना मैं अपने लिए एक घर जवाई ढूंढ लूं। दो दिन में घर छोड़ के भाग जाएगा। क्यों? जब वो ये देखेगा कि पत्नी पति को भूलकर पिता की सेवा में लगी है तो भागेगा नहीं। ये खतरा तो है। जय जुसला। थैंक यू। बस दैट्स ऑल। पिताजी प्रसाद नहीं लेंगे? अरे हाँ क्यों नहीं लेंगे, ला 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 प्रसाद जरूर लेंगे। हाँ लेकिन एक बात है बहू, ये रोज रोज थोड़ा थोड़ा प्रसाद खा के मैं कुछ मोटा सा हो गया हूँ। प्रसाद तो आत्मा की शुद्धिकरण के लिए होता है, इसका मोटापे से कोई संबंध नहीं। धर्म कर्म के मामले में भाभी से जीतना बहुत मुश्किल है डैडी, इसलिए आप जरा अपनी सेहत का ध्यान रखिए। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। बाय द वे बहू, वो पिंकी की हॉस्टल जाने की तैयारी हो गई? यस ग्रैंडपा, पिंकी मल्होत्रा हॉस्टल जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वाओ, दैट्स लाइक अ स्वीट लिटिल अडोरेबल ग्रैंडडॉटर ऑफ कैलाशनाथ मल्होत्रा। थैंक यू। सामान वगैरह सब बांध दिया ना? ओह यस ग्रैंडपा। एक काम कर, हॉस्टल पहुंचते ही मुझे फोन जरूर करना। ओके। आप कुछ भूल तो नहीं रहे? आपने कुछ वादा किया था? नहीं भूला बिल्कुल, किसी को बोलना मत, आज से मेरी कोर्ट की जेल मशीन निकाल ले। पूरे 5,000 हैं। वाओ ग्रैंडपा, यू आर ग्रेट। डैडी आपने मुझे तो कभी इतना जेब खर्च नहीं दिया जितना पिंकी को देते। इसलिए कि तुम हमारी बेटी हो और ये हमारे बेटे की बेटी यानी हमारी पोती। तो उसे क्या फर्क पड़ता है? ये बात तुम तब समझोगी जब तुम खुद दादी बन जाओगी। बाय 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 बाय। दादी 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 दादी। हेलो सर, न्यूयॉर्क से मिस्टर गार्डनर का फोन था, ही वांट्स टू टॉक टू यू अर्जेंटली। ऑपरेटर से कौन नंबर मिला थे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मिसेस शाहन कंपनी की फाइल, आज उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। एक्सक्यूज मी सर, सर सिन्हा साहब आए हैं, 10:30 बजे आपका उनके साथ में अपॉइंटमेंट है। लगता है इस कंपनी के मैनेजर, सेक्रेटरीज और मेरे दो बेटे सब इसी इंतजार में रहते हैं कि मैं कब आकर अपनी कुर्सी पर बैठूं
ताकि मेरे सामने टेलीफोन मैसेजेस और अपॉइंटमेंट्स का अंबार लगा दिया जाए। अशोक और नरेश कहाँ हैं? जरा उन्हें बुलवाइए। गुड मॉर्निंग डैड। आइए आइए मिस्टर अशोक मल्होत्रा, फरमाइए आपकी लिस्ट में मेरे लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हैं? 11:30 बजे बोर्ड की मीटिंग है और उसके बाद 2:30 बजे निवेटिया के साथ लंच है और फिर 4 बजे मिस्टर जैन के साथ एक अपॉइंटमेंट है। लिसन यंग मैन, अगर ये सब काम मुझी को करने हैं तो मैं आज क्यों, आप किस मर्ज की दवा हैं? वो सब तो ठीक है डैड, लेकिन आपसे मशवरा लिए बिना? हाँ, मुझसे मशवरा लेना तो बहुत जरूरी है बेटे। एक बात पूछ सकता हूं, जिंदा रहने के लिए क्या सांसें मुझसे पूछ के ली जाती हैं? ये पेट भरने के लिए क्या खाना मुझसे पूछ के खाया जाता है? अगर नहीं तो काम के मामलात में अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय हर बार मेरे पास क्यों दौड़े चले जाते हो? मैनेजर साहब, ये फाइल अशोक को दे दीजिए और नरेश को मेरे पास भिजवाइए। वो सर, नरेश बाबू अब तक दफ्तर नहीं आए। क्या क्या वक्त हो गया? नरेश बाबू, नरेश बाबू उठिए। क्या है? आपका फोन। फोन के बच्चे, 1000 बार कहा तुझसे कि मुझे नींद से मत उठाया कर, क्यों आया तू यहाँ? फोन ऑफिस से है मैनेजर साहब का। फोन के बच्चे, तुझे और तेरे मैनेजर को खिड़की से उठाकर नीचे फेंक दूंगा, चल भाग। जी ओ, क्या कहूँ मैनेजर साहब को, आज ऑफिस जाने का कोई मूड नहीं है। बुड्ढे को बोल दो आज छुट्टी। जेंटलमैन, आप सब जानते हैं पिछले साल हमारी कंपनी का टर्नओवर था 200 करोड़। आपको ये जानकर खुशी होगी इस साल हमारी कंपनी का टर्नओवर है 650 करोड़, यानी 3 गुना से भी ज्यादा। और अगले महीने हमारी कंपनी इन कोलैबोरेशन विद ब्रिटिश एंड जर्मन कंपनीज नए प्रोजेक्ट्स के लिए एग्रीमेंट साइन करने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि अगले साल का हमारा टर्नओवर होगा 1500 करोड़। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में नरेश क्यों नहीं आया? डैड, मैं दिखता हूं। ये पास की ब्लाइंड। मेरी ही ब्लाइंड। अब मैं देख लूँ मेरे पत्ते क्या बोलते हैं। पैक। क्या बात है? फिर से सारे के सारे पैक? अब खेल होगा सिर्फ राजा और रानी के बीच। देखा कामी? मैंने कहा था ना नरेश एकदम राजा आदमी। आप अपने आप को राजा समझते हैं मिस्टर नरेश? आप हमें राजा समझे ना समझे, लेकिन हमारे लिए आप किसी रानी से कम नहीं है मिस कामिनी। हजार की ब्लाइंड। ये 2000 की चाल। 5 का कवर। ये 10,000 की चाल। वाओ, मजा आ गया गेम का। नरेश भाई, अब चाल चलो। सोच समझ के चाल चलना, कामनी कभी कार्ड्स में हारते नहीं। ये बाजी भी आपकी। मजा आ गया कामनी, मजा आ गया। माल उठाओ माल। मैंने कहा था ना कामनी कभी कार्ड्स में नहीं हारती। क्या बात है नरेश बाबू, आज तो आप लगातार हारते ही जा रहे हैं। इस हार में भी अपनी ही जीते पड़े साहब, क्योंकि ताश के पत्तों में बाजी हारने वाले दिल की बाजी हमेशा जीतते हैं। हेलो, जस्ट अ मोमेंट नरेश, तुम्हारा फोन। नरेश, नरेश तुम ऑफिस क्यों नहीं आए? आप जानते हैं कि मैं क्या जवाब दूंगा, फिर भी फिजूल का सवाल करने से बाज नहीं आते आप। ये सवाल मैं नहीं, डैडी पूछ रहे हैं। डैडी को मैं खुद जवाब दे दूंगा।
फिलहाल मुझे 50,000 रुपयों की सख्त जरूरत है, फौरन भिजवा दीजिए। क्या 50,000? किस लिए? एक बहुत खूबसूरत बाजी लगी हुई है भैया, जिसे मैं किसी भी कीमत पर जीतना चाहता हूँ। ओके, पत्ते बांटिए। एक्सक्यूज मी, नो मोर गेम, मुझे जाना है। कहाँ कामनी, कहाँ जाना है? फोटो सेशन पर। फोटो सेशन? कामनी बहुत बड़ी मॉडल बनना चाहती है। आई सी। सी यू। सी यू सून। हाँ, नरेश भाई, 3 इक्के फेंक दिए और जीते हुए बाजी हार गए। वाह, क्या बात है, खुद हार कर कामनी को जिता दिया, लगता है कामनी को दिल आ गया। अरे आप जल्दी वापस आ गए। हाँ जय, जरा चाय का पानी रखना, मैं आती हूँ। कुछ थके में से लग रहे हैं। हाँ थक गया हूँ, तंग आ गया हूँ, बिना किसी कसूर के मुझे ही सुनना पड़ता है। आज फिर दफ्तर में कुछ हुआ क्या? वही हमेशा करो ना, नरेश ऑफिस में नहीं जाता, काम पे ध्यान नहीं देता, इसमें मेरी क्या गलती है? डैडी उसे तो कुछ नहीं कहते, सारा गुस्सा मुझ पे उतार देते हैं। पर आप नरेश भैया को समझाते क्यों नहीं? मेरी बातों से समझ में नहीं आती, तुम ही समझाओ ना उसे। बल्कि एक काम करो, तुम भगवान जी की पूजा करती हो ना, तुम ही अपने भगवान जी से कहो वही सुधारे उसे। ना बाबा ना, मैं अब भगवान से कुछ और नहीं मांग सकती। क्यों? जरा सोचो, इस संसार में कितनी गरीबी, कितना दुख, कितनी निराशाएं हैं, और हमारे इस घर में भगवान ने हर तरह की खुशी और ऐशो आराम दिया है। अब इस पर अगर मैं कुछ और मांग बैठूं, तो क्या ये भगवान को ठीक लगेगा? इसका मतलब ये हुआ कि हम उसे समझा ही नहीं सकते, और आपके भगवान जी उसे समझाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसलिए जैसा चल रहा है चलने दीजिए। एक से एक बेहतरीन टॉप की मॉडल चुनकर लाया हूं आपके लिए। लड़कियां एकदम फ्रेश, ब्रॉड माइंडेड, लड़कियों के चेहरे और फिगर्स लाजवाब। मॉडल को जितना कम कपड़ा पहनाया जाए, भाई गॉड अपनी मिल का कपड़ा उतना ही ज्यादा चलता है। मिस्टर जॉन, ये कौन है? कामिनी, आई मीन कामिनी ठाकुर। लड़की तो बड़े घर की है, मगर मॉडलिंग का भूत सवार है साहब। मॉडल बनने के लिए कुछ भी कर सकती है। आई मीन एम्बिशियस गर्ल, डू यू लाइक हर? मैं इसका फोटो सेशन देखना चाहता हूँ। ठीक है सर, मैं कल ही अरेंज करता हूँ। कल क्यों, आज ही क्यों नहीं? मिस्टर मल्होत्रा, अलीबाग साइट को इतना लाइटली नहीं लिया जा सकता, किसी जिम्मेदार आदमी को ही इसका इंचार्ज बनाना चाहिए। नरेश मल्होत्रा, जिम्मेदार बाप का जिम्मेदार बेटा, he will be in charge of this project. Excuse me sir. Yes. वो मद्रास वाली पार्टी की तरफ से मिस्टर नायर आए हैं। ओ, उनकी फाइल मैंने नरेश के ऑफिस में भिजवा दी है, आप प्लीज उन्हें वहीं ले जाइए। सर, नरेश बाबू केबिन में नहीं है, और कहां चले गए किसी को बताया भी नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, वो फाइल यहां मंगवा लीजिए। वो कह सर कि नरेश बाबू केबिन लॉक करके गए हैं और डुप्लीकेट चाबी भी नहीं है। बेहतरीन मॉडल बन सकती है। थैंक यू। हम कल ही आपके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर नरेश। मैं आपको हर तरह से प्रमोट करूंगा मिस कामिनी।
मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के हर प्रोडक्ट की मॉडल आप रहेंगी। एक साल के अंदर अंदर मैं आपको टॉप की मॉडल बना दूंगा। टॉप की? ओह रियली? यस। शर्त सिर्फ एक होगी, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूसिव होगा। यानी एक साल के लिए आप मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के अलावा किसी और के लिए मॉडलिंग नहीं कर सकते। मुझे मंजूर है, लेकिन फीस वही होगी जो आप चाहेंगे। सच? यस। वैसे रात को आप क्या कर रहे हैं? जी कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री हूँ। रात के ठीक 10 बजे सीरॉक के रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में मैं आपका इंतजार करूंगा। स्पेशल ड्रिंक, डाइन, डिस्कस, डांस। 10 लाख? 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट एक मामूली सी मॉडल के लिए? बोर्ड की मीटिंग में डायरेक्टर्स मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। उनके सवालों के जवाब तो तुम दे दोगे, लेकिन एक बात याद रखना, मैं कंपनी का रुपया तुम्हें अयाशी में खर्च करने नहीं दूंगा। कौन रोकेगा मुझे? आप? हाँ मैं रुकूंगा। शराब, अयाशी, जुआ, आवारागर्दी, इन तबाहियों के रास्ते में मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तबाही के रास्ते पे तो आप जा रहे हैं भाई साहब। सच कहता हूँ, इस 99 के फेर से जरा बाहर निकल कर देखिए कि जिंदगी कितनी हसीन, कितनी रंगीन है। छूटी है वो जिंदगी जिसे तुम हसीन और रंगीन कहते हो। खर्च करने के लिए रुपया कमाना पड़ता है नरेश बाबू, दौलत आसमान से नहीं टपकती। रुपया, 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 और कितना रुपया कमाना चाहते हैं आप लोग? मल्होत्रा परिवार के पास इतनी बेशुमार दौलत है कि हमारी 7 पुश्तें भी अगर बैठ कर खाती रहे तब भी खत्म नहीं होगी। पैसा अकलमंद की खिदमत करता है और बेवकूफ पर हुकूमत। जिस परिवार में तुम जैसा अय्याश रही ज्यादा हो, दौलत कितने दिन टिक सकती है? अगर मैं दौलत लुटाता भी हूँ तो अपने हिस्से की लुटाता हूँ, आपको उससे क्या? जब मैं आपकी जिंदगी में कोई दखल नहीं देता तो आपको मेरी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं। नरेश, बदतमीजी कर रहे हो तुम। नरेश, चिल्लाओ मत, ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी आता है। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, इतनी जोर से चिल्लाओ कि कैलाश नाथ मल्होत्रा की इज्जत उसके घर की छत को फाड़ कर शहर के गली कूचों में बिखर जाए। डैडी आप भी जानते कि नरेश? मैं सब जानता हूँ। खूब वाकूफ इस कमबख्त की हरकतों से, न जाने किस जन का बदला ले रहे हैं हमसे। बदला मैं नहीं बल्कि आप लोग ले रहे हैं मुझसे। दुश्मनों जैसा बर्ताव किया जा रहा है मेरे साथ। क्या सगा भाई जाता है मुझसे? मेरी खुशियां, मेरी चौक देखे नहीं जा रही इससे। एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए, अपनी जिंदगी का मालिक मैं खुद हूं और मैं वही करूंगा जो मैं चाहूंगा। देखता हूं किस में हिम्मत है मुझे रोकने की।